Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 15th October 2020. Subject English Grammar, Class 3, Book The Grammar Right Book, Chapter 7. My dear students, we're doing the revision of the chapter of verb. हम लोग verb chapter के ऊपर revision कर रहे थे. आज हम लोग use of was and were के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Read this with was and were. I was tired. You were tired. We were happy. He was running a race. They were eating lunch. यहाँ पे बोला गया कि आपको वाज और वेयर को लगाते हुए ये सेंटेंस को पढ़ना है. जैसे आई वाज टायर्ड, यू वेर टायर्ड, वी वेर हैप्पी, ही वाज रनिंग अ रेस, दे वेर ईटिंग लंच. व्हेन एन एक्शन हैपेंस इन द पास्ट वी यूज वाज एंड वेयर. हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी एक्शन पास्ट में होता है, कोई भी एक्शन आपका गुजर चुका होता है, उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वाज एंड वेयर. जब हम लोग वाज एंड वेयर कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई भी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो हो चुका है या फिर जो गुजर चुका है. ओके, उन एक्शंस के बारे में जब बात करते हैं जो पास्ट में हो गया है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वाज एंड वेयर. वी यूज वाज विद सिंगुलर नाउंस एंड वेयर विद प्लूरल नाउंस. हमेशा याद रखिएगा, वाज हम लोग सिंगुलर नाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं और वेयर को प्लूरल नाउंस के साथ. ओके, वी यूज वाज फॉर कलेक्टिव नाउन ऑल्सो. हम लोग वाज को कलेक्टिव नाउंस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं. हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली बात, वाज एंड वेयर को हम लोग पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं. जो कोई भी एक्शन पास्ट में होता है उसको बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वाज एंड वेयर. ओके, और फिर आपका वाज सिंगुलर नाउंस के साथ इस्तेमाल होता है और वेयर प्लूरल नाउंस के साथ. जैसे देखिए, आई, ही, शी, इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? वाज. ओके, यू, वी, दे, ये सब के साथ क्या इस्तेमाल होता है? वेयर. और वाज हम लोग कलेक्टिव नाउंस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टीम वॉज हैप्पी, द बुके ऑफ फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटिफुल. तो हम चाहते हैं घर में वाज और वेयर का रिविजन करें और इसे पढ़ते हुए आप समझने की कोशिश करें. थैंक यू.